दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल और संजय सिंह के एजेंडे को फेल कर दिया है। केजरीवाल और संजय सिंह जो आरोप लगा रहे थे उसकी हवा दिल्ली पुलिस ने निकाल दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि आप द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। दरअसल शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर आप सांसद संजय सिंह और पार्टी के दूसरे नेताओं ने वीडियो शेयर किया था और आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत के अंदर मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से पेश करने के आम आदमी पार्टी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तार नेता मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। इसको लेकर ही केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि क्या पुलिस को इस तरह से मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है, क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है। वहीं संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिसिया गुंडागर्दी चरम पर, सिसोदिया का गर्दन पकड़ कर खींचता हुआ ये पुलिस अधिकारी अपने आका को खुश करने के चक्कर में ये भूल गया कि न्यायालय इसकी नौकरी भी ले सकता है। हालांकि सभी आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी थी। न्यायिक हिरासत में आरोपी द्वारा मीडिया को बयान जारी करना कानून के खिलाफ है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 1 जून तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया को बयान दे रहे थे। जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था तब उन्होंने दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर एक विधेयक लाए जाने के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि न्यायिक हिरासत में आरोपी द्वारा मीडिया को बयान जारी करना कानून के खिलाफ है। लेकिन केजरीवाल और संजय सिंह ये नहीं कहेंगे कि सिसोदिया कानून के खिलाफ जाकर बयान दे रहे थे, लेकिन कानून के मुताबिक पुलिस ने बयान देने से रोका तो इस पर सियासी रोटी सेकने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पलटवार कर आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के विषय पर लाए गए अध्यादेश को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को असंवैधानिक बता रही है और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से केजरीवाल पर बड़ा हमला किया गया है। दिल्ली की राजनीति का केंद्र बन चुके इस अध्यादेश को लेकर पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन और संदीप दीक्षित शामिल थे। बैठक के बाद अजय माकन ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी अध्यादेश का विरोध करने के खिलाफ ही रहेगी। अजय माकन ने यह भी काफी विस्तार से बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी कारणों की वजह से इस अध्यादेश का विरोध नहीं कर रही है। अजय माकन ने एक ट्वीट किया, अध्यादेश का विरोध न करने के कारणों की समीक्षा, प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी पहलू। इस ट्वीट में अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल का समर्थन कर हम बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे सम्मानित नेताओं द्वारा पूर्व में लिए गए कई अहम निर्णयों के विरोध में नजर आएंगे। अजय माकन ने आगे ये भी लिखा कि अगर ये अध्यादेश पारित नहीं होता है तो केजरीवाल को एक अलग विशेषाधिकार हासिल हो जाएगा, जिससे शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा समेत अन्य कई मुख्यमंत्री वंचित रह गए थे। अजय माकन ने इस अध्यादेश का विरोध न करने की प्रशासनिक वजह के बारे में बताया है कि सन 1991 में नरसिम्हा राव जी ने दिल्ली के लिए प्रशासन के वर्तमान स्वरूप की स्थापना की तथा एलजी को कार्य संचालन नियमों के माध्यम से अधिकारियों को स्थानांतरित और पद स्थापित करने की सभी शक्तियां प्रदान की। राजनीतिक वजह के बारे में माकन ने लिखा कि केजरीवाल की कुछ पिछली राजनीतिक गतिविधियां सवालों के घेरे में रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ एक प्रस्ताव पारित कर राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके अलावा केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बीजेपी का समर्थन किया। वहीं गुजरात, गोवा, हिमाचल, असम, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए केजरीवाल का समर्थन और हाल के कर्नाटक चुनाव में जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, जो इसकी राजनीतिक वजहों में शामिल है।
अजय माकन ने यह भी कहा कि जब दिल्ली के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बिना कोई हो हंगामा किए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते थे तो केजरीवाल इतनी अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं, क्या ये महज राजनीतिक नौटंकी है। अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई को लोगों की लड़ाई कैसे बता सकती है। वो कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किए, इन कामों का ये जो क्रेडिट वो ले रहे हैं ये काम भी दिल्ली में तैनात अफसरों ने ही किया है। क्या उन्होंने इन अफसरों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लाया था। अजय माकन ने आगे कहा कि वो डरे हुए हैं कि अब वो फंस गए हैं, वो लोग का ध्यान खींचना चाहते हैं, वो शराब घोटाले और अन्य घोटालों में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष से मदद की अपील कर रहे केजरीवाल के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई की वजह से आपके कई नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं, उनमें केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी शामिल हैं। वहीं अब केजरीवाल के एक और खास नेता संजय सिंह की भी मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद संजय सिंह हाय तौबा मचा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिसोदिया के बाद कथित शराब घोटाले मामले में अब संजय सिंह भी फंसने वाले हैं, क्या संजय सिंह के खिलाफ भी ईडी को सबूत मिले हैं। दरअसल ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह के कुछ सहयोगियों के परिसरों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके बाद आप नेता संजय सिंह तिलमिला गए हैं। बता दें कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के दो सहयोगियों के ठिकाने समेत 6 जगहों पर छापेमारी की है। विट्ठल भाई पटेल हाउस में ये छापेमारी हुई है, अमित अरोड़ा के करीबियों के यहाँ भी ये छापेमारी की गई है। ईडी की टीम शराब घोटाले को लेकर गहन जांच पड़ताल कर रही है और कहा जा रहा है कि कुछ अहम सुरागों की तलाश में ये छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी के बाद संजय सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि उनके दो सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के परिसरों पर संघीय एजेंसी छापेमारी कर रही है। वहीं खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि करीब 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई है। कहा जा रहा है कि कथित शराब घोटाले मामले में शामिल कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है उनमें से कुछ के संजय सिंह से संबंध है। ऐसे में छापेमारी से भर के आप सांसद संजय सिंह ने ईडी की इस कार्रवाई को दादागिरी तक कह दिया है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी की दादागिरी और तानाशाही को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। मैंने ये सच बताया कि किस तरह ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी की दादागिरी चरम पर है, मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ईडी की फर्जी जाँच को पूरे देश के सामने उजागर किया, ईडी ने मुझसे गलती मानी, जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं, ये जुर्म की इंतहा है, चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी। तो देखा अपने ईडी की छापेमारी से संजय सिंह कैसे बौखला गए हैं। सवाल है कि अगर आपने और आपके करीबियों ने कुछ नहीं किया है तो परेशान क्यों हो रहे हैं। जाँच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर भी आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि वो निर्दोष हैं, लेकिन सवाल है कि कोर्ट से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस वक्त केजरीवाल की पार्टी चौतरफा घिर गई है। केंद्र के नए अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच MCD में भी केजरीवाल की पार्टी को झटका लगा है। MCD में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने दिल्ली की मेयर के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से कराने की बात कही थी। शैली ओब्रायन ने स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव फिर से कराए जाने की बात कही थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शैली ओब्रायन द्वारा एक शख्स के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन गलत है। अदालत ने शैली ओब्रायन को निर्देश दिया है कि 24 फरवरी को जो चुनाव हुए थे और उसके बाद जो नतीजे आए थे उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जिस मतपेटी को रद्द किया गया था उसकी भी काउंटिंग की जाए। बता दें कि 6 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से कराने को लेकर शैली ओब्राय के निर्देश के खिलाफ
बीजेपी की पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत शेरावत ने अदालत में अपनी याचिका लगाई थी। अब अदालत ने इसी याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि शैली ओबराय ने यह फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया है, ऐसे में उनका यह फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था। बता दें कि 24 फरवरी को एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था, लेकिन इस दौरान मतगणना के वक्त बीजेपी के एक पार्षद के वोट को रद्द किए जाने को लेकर बवाल हो गया था। इसके बाद मेयर ने 27 फरवरी को दोबारा वोटिंग कराने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी याचिका अदालत में लगाई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सभी अहम चीज़ों को सुरक्षित रखें। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि प्रथम दृश्य से ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए 24 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजों को घोषित किए बगैर मेयर नए सिरे से चुनाव करवा रही हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। 24 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ था। देर रात निगम सचिव ने नतीजों का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को सत्ता मिलने के बाद से ही आप और बीजेपी आमने सामने है। नोटबंदी पार्ट टू के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले पर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा, लेकिन नोटबंदी पार्ट टू के चक्कर में केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं और राहुल गांधी के बाद अब केजरीवाल भी पीएम मोदी से पंगा लेने के चक्कर में फंस गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब केजरीवाल की भी विधानसभा की सदस्यता जाएगी। आखिर क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं, बताते हैं आपको। दरअसल केजरीवाल जब राजनीतिक हमला करते हैं तो सभी राजनीतिक सिद्धांतों को भूल जाते हैं, लेकिन इस बार सीएम केजरीवाल पर भी न्यायालय के भीतर मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक शिकायती मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 19 मई को एक ट्वीट किया था, इसी मामले में शिकायत दायर हुआ है। अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा ने भारतीय दंड विधान की धारा 332, 500 और 505 के आरोपों के तहत शिकायत की है। अदालत ने शिकायती मुकदमा संख्या 4908/2023 दर्ज करते हुए मामले पर सुनवाई करते हुए 25 मई की तिथि निश्चित की है। शिकायती मुकदमे के आरोपों के अनुसार 19 मई को केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़ कहा गया है। ऐसे में इसे मानहानि वाला बताया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से 19 मई को ट्वीट कर लिखा गया था कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पटना में केस चल रहा है। राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की गई थी। इससे पहले इसी मामले में गुजरात में एक निचली अदालत ने उन्हें 2 वर्ष का दंड सुनाया था। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई। मामले में अब सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है। वहीं अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया है। सीएम केजरीवाल को समझना होगा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भी एक सीमा होती है, जिसकी अवहेलना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी की कुछ सीमाएं होती हैं और ये तब और जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।